ज्वालामुखी पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसते हुए लगभग 1221 चालान काटकर 3,36,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। इसके अलावा मौके पर चालान ना भुगतने की सूरत में आधे से ज्यादा चालान पुलिस ने कोर्ट में भी पेश किए हैं। पुलिस द्वारा किए गए चालानों के ये आंकड़े 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मंदिरों में चले हुए नवरात्रों के दौरान के हैं। ज्वालाजी पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसते हुए लगभग 1221 चालान काटकर 3,36,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। ज्वालाजी पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ ये अभियान नवरात्रों के दौरान शुरू किया था और आगे भी ये जारी रहेगा। इस बीच रविवार को भी पुलिस ने जगह जगह शहर में नाके लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज के नेतृत्व में पुलिस ने ये अभियान छेड़ा है। डीएसपी तिलकराज ने बताया कि ज्वालाजी पुलिस अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को नहीं बख्शेगी और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। उन्होंने कहा कि रोजाना शहर में देखा जा रहा है कि कुछ लोग दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट व ट्रिपलिंग कर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चे भी वाहनों को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शिकायतें लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को की है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा छेड़ा गया ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, साथ ही जब तक लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते तब तक पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज ने कहा कि आजकल बाहरी राज्यों से श्रद्धालु मां ज्वालाजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ एक वाहन चालक अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से पार्क कर रहे हैं, जहां जगह नो पार्किंग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ज्वालामुखी मंदिर में आजकल ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा है। पंजाब में आसपास के राज्यों में छुट्टियां पड़ी हैं, लोग माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और प्राय क्या होता है कि रोड के किनारे गाड़ियां खड़ी करके बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, वो भी नो पार्किंग जोन में। तो यातायात को सुचारू रूप से चलाने में जो बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए उनके चलान किए जा रहे हैं, उनको समझाया भी जा रहा है और जो नहीं समझते उनके चलान भी किए जा रहे हैं। ये मुहिम ऐसी रहेगी ताकि ज्वालामुखी का जो यातायात प्रबंधन है वो अच्छे तरीके से हो सके। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।